दोस्तों हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए हैंड एंड फुट वाइटनिंग रेमेडी लेकर आई हूँ, जो काफ़ी तेज़ी से आपके मैल कुचैल को साफ करेगी। तो गाइस हमें चाहिए पहला इंग्रेडिएंट शैम्पू। शैम्पू हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये हमारी जितनी भी जितनी टैनिंग है वो एक ही बार के यूज से ही साफ कर देगा गाइस। तो यहाँ पर हमने लिया है क्लिनिक प्लस। आप कौन सा भी शैम्पू यूज कर सकते हो। यह रेमेडी काफ़ी पावरफुल है। तो यहाँ पर मैं कट करके इस बाउल में डाल लेना है, पूरा पाउच डाल लेना है गाइस। एक बार यह रेमेडी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाथों की जितनी हाथ पैरों की जितनी भी जितनी टैनिंग है वो एक ही बार के यूज से रिमूव हो जाएगी। और दूसरा इंग्रेडिएंट लेना है हमें लेमन। लेमन हमारे स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करता है और जितनी भी टैनिंग है बस एक ही बार की यूज से निकल जाएगी। यह ब्लीच का भी काम करता है। तो हमने यहाँ पे लिया है आधा लेमन। लेमन के बाद हमें लेना है ग्रीसलीन। ग्रीसलीन हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाती है और फटने नहीं देती है। सर्दियों में इसका काफ़ी यूज किया जाता है। तो हमें लेना है एक चम्मच भर के ग्रीसलीन लेना है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक चम्मच ग्रीसलीन। एक चम्मच हमने ग्रीसलीन ले लिया। अच्छी तरीके से हमें इसको मिक्स कर लेना है। इसको आप नहाते टाइम कर सकते हो। और उसके बाद हमें लेना है नमक, सॉल्ट, जिसको सॉल्ट भी बोलते हैं। सॉल्ट हमारे जितनी भी टैनिंग हो उसको ख़त्म कर देगा गाइस। तो हमें अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमें लेना है गरम पानी। जितना हम सहन कर ले उतना हमें गरम पानी लेना है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। एक ही बार के यूज से आपकी जितनी भी जितनी टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे अपने हाथों को इस तरीके से डुबो को रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो गाइस हमारे यहाँ 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो हमें लेना है वही लेमन लेना है जो हमने यूज किया है। और इसमें डाल लेना है थोड़ा सा नमक और इस तरीके से हमें रफ करना है जिससे हमारे जितनी भी जितनी टैनिंग है वो निकल जाए। आप एक बार यह रेमेडी जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको काफ़ी फ़ायदा भी असर करेगा। जितनी भी जितनी टैनिंग है तो आप देख रहे हो, देखो कितना लाइटन एंड ब्राइटन हो रहा है। अभी आपको लाइव रिजल्ट हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ हमें 2 मिनट इस तरीके से हमें अपने हाथों का इस तरीके से रफ करना है। अब जब भी करें या नहाते टाइम करें। यहाँ पे हमारे ये कितने काले हो जाते हैं। तो आप हफ्ते में एक बार यह जरूर ट्राई करें। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आए, थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके बाद हमें अपने हाथों को धो लेना है। तो हमने यहाँ पे लिया है पानी, अपने हाथों को धो लेंगे। अच्छी तरीके से हमें इसको पोंछ लेंगे अच्छे से। तो आप देख रहे हो
दोनों हाथों में डिफरेंस, ये कितना साफ लग रहा है। तो चल तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।